hi everybody good morning how are you children fine okay so be healthy and safe at home okay have more fruits and vegetables so that it will increase your immunity power got it yeah so today is a grammar exercise now so this is a 11th chapter simple present tense

काली लिजन करने के कर दैट इज नॉट इनफके तो आपको प्रैक्टिस करना है हाउ टू प्रैक्टिस जस्ट वॉच टू टाइम्स थ्री टाइम्स फोर टाइम्स ग्रामर आपको वो हाउ टू से मोर टाइम्स यू हैव टू वॉच द वीडियोज ओके इफ वन टाइम टू टाइम्स यू सी एंड यू से मैम माई कंटेंट अंडस्टैंड मैम इट इज़ नॉट इनफ मतलब ना ओके एटलीस्ट थ्री टाइम्स फोर टाइम्स आपको वॉच करना है दिस ग्रामर वीडियोस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल हाँ इट विल बी अ प्रैक्टिस फॉर यू गॉट इट या सो टेंथ चैप्टर वाज वर्क एंड टुडे इट इज़ लेव चैप्टर सी सिंपल प्रेजेंटेंस इट इज़ वेरी वेरी इजी वन ओके वेरी सिंपल एंड ईज़ी सिंपल टेंस ओके प्रेजेंट टेंस का मीनिंग क्या है एट प्रेजेंट अब नाउ व्हाट वी आर डूइंग दैट ओनली, ओके कम, डूइंग मैंने बोला ना तो यहाँ आई एन जी फॉर्म नहीं आएगा आई एन जी तो कंटिन्यूस टेंस में आएगा तो यहाँ आई एन जी नहीं आएगा ओके रीड राइट वो वर्ब्स विदाउट आई एन जी हेल्प रीड राइट एक्शंस है ना वैसा आएगा ओके okay? तो सिंपल प्रेजेंटेंस, यस, सो दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट ठीक है सो दिस इज़ वेरी स्मॉल एक्सरसाइज एंड सिंपल एक्सरसाइज तो ये एक वीडियो में मैंने एक्सरसाइज भी ऐड किया है ठीक है इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेशन भी आएगा और एक्सरसाइज भी इंक्लूड किया है

बिकॉज थर्ड पर्सन मैंने बोला था ना सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो वर्ब में येस yes आएगा बोला ना यहाँ सिंगुलर तो यस इट इज़ डोंट से यस है तो ये प्लूरल है नहीं गलत तो येस yes है तो ये सिंगुलर है ओके मैंने बोला था ना बेसिक वर्कशीट वर्कशीप में भी बोला था ये घॉटेड सी प्रिया सिंगुलर है ना तो वर्ब हेल्प सिंगुलर है ये प्रूरल नहीं है हेल्प्स सिंगुलर है प्रिया हेल्प्स हर मदर वी स्विम इन द समर सी वी प्रुरल है ना हम वी मतलब हम मोर देन वन पर्सन और टू पर्सन सी वी स्विम तो यहाँ प्रूरल है ये स्विम भी प्रूरल है ठीक है ये स्विम क्या है सिंगुलर नहीं है ये स्विम प्रूरल है वी स्विम इन द समर ओके

अभी कोविड पीरियड है तो हम नहीं जाएंगे लेकिन बिफोर द कोविड पीरियड वी यूज टू गो टू स्कूल नो हाँ देन अर्ली मॉर्निंग सिक्स ओ क्लॉक यू यूज टू गेट अप वो थिंग्स रेगुलरली विच हैपन्स ना तो आई एम गिविंग एग्जांपल एग्जाम्पल को मत देखो मैंने यहाँ टेंस नहीं दिया बोला मैंने यहाँ सेंटेंस रेगुलरली विच हैपन्स ना वो मैं बोल रही हूँ ठीक है रेगुलरली यू ईट ना मॉर्निंग रेगुलरली मॉर्निंग यू यू टिफिन तो सम वॉट डेली यू यूज टू स्लीप एट टेन ओ क्लॉक तो दिस ऑल हैली नो दैट एग्जाम्पल मैंने बोला था रेगुलरली का एग्जाम्पल ठीक है तो दिस टू पॉइंट इज वेरी इम्पॉर्टेंट ये ये दो पॉइंट है ना ये आपको याद में रखना है ओके वेरी इम्पॉर्टेंट मैंने पहले ही बोला था ना हाउन मैथ्स देर आर सम फॉर्मूलाज सेम In English also for grammar some rules are there ठीक है We can't ask why rules मतलब rules हैं ना हाँ तो वैसा English में भी rules है तो see this is all rules तो ये आपको याद में रखना है यू हैव टू कीप इन मेमरी ओके दिस टू पॉइंट्स नाउ और हैपन्स रेगुलरली गॉट इट येस सो सी नीता गोज टू स्कूल मैंने बोला था ना सी गोज़ टू स्कूल यहाँ ये गोज वर्ब है तो ये सिंपल प्रजेंटेंस में है यू यू जस्ट यूज़ आपको ना इंग्लिश पढ़ना है इंग्लिश लेसेंस uh, है ना इंग्लिश बुक इंग्लिश लेसेंस पढ़ना है और इंग्लिश में बात करने के लिए कोशिश करना है तो यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग ये प्रेसेंटेंस में है और पास टेंस में है कंटिन्यूसली है कंटिन्यूस में है तो You can that understand without using it is little difficult इसलिए बोल रही हूँ जैसे read the text English book पढ़ना है कोशिश करो English में बात करने के लिए कोशिश करो तो you can understand this grammar very well okay yeah see the next sentence they eat lunch at two o'clock okay so मैंने बोला था ना यहाँ

सी डिज एड यस सी एस बोलते ना सिंगुलर वी एड येस टू इट ओके यस टू इट वी एड वॉट येस फॉर अ सिंगुलर नाउन हाउ अ वेन दी नाउन स्प्रूरल ठीक है नाउन स्प्रूरल मतलब द रिमाइंस इन इट्स बेस फॉर्म इन इट्स बेस फॉम मतलब द सेम फॉर्म द सेम फॉर्म इट वेंज यहाँ सिंगुलर है ना तो टू द सिंगुलर वी विल एड यस बोला था ना सो इन समटेंस इट विल कम यस समेस ठीक है सी यर प्र है प्रे प्रल है ना तो फॉर दे दर् रिमाइंड इन द बेस फॉर्म ओके इन द सेम फॉर्म सी बेस है ये बेस मतलब विदऊेस द सेम वर्डम ठीक है ना नो चेंजेस हा तो दिस इज द मीनिंग फॉर दिस टू लाइन गॉट इट वेरी सिंपल सी वर्ब सिंगुलर है मतलब सॉरी वेन वी राइट अ वर्ब बिफोर अंगुलर नांगफोर ए सिंगुलर नाम नाउन सिंगुलर है मतलब वर्ब टू द वर्ब वी विल एड यस सो फॉर सम सेंटेंस हम यस एड करेंगे एंड फॉर सम सेंटेंस हम ई यस एड करेंगे ठीक है वो वर्ब अकॉर्डिंग टू द वर्ब आएगा दैट वी विल सी लेटर ठीक है सी लेकिन प्रूरल है मतलब तो इन वर्ब वी वोंट एड एनी थिंग नाउन प्रूरल है मतलब इन वर्ब वी वोट एड एनी थिंग इट विल रिमाइंड द सेम

तो व्हाट इज दिस वर्ब है सॉरी नाउन प्रूरल है मतलब वर्ब मैंने क्या बोला वर्ब वी वर्ल होगा तो यहाँ गिवन ना सी इट विल विमाइंड द सेम बेस फॉर्म ठीक है तो राइट गॉट इट यस तो यस यम रूल्स आर गिवन वर्ब्स एडिंग इन कॉन्सोनेंट तो ए ई आई ओ यू है ये पांच पाँच है बाकी सब कॉन्सोनें है ठीक तो एडिंग वर्ब्स एडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई सी सो वी शुड रिमूव दैट वाई एंड राइट आई ई एस सी हियर आर तो कॉन्सोनेंट है ना हाँ तो वाई व्हेन वाई कम्स यू हैव टू रिमूव दैट वाई एंड यू हैव टू राइट आई ई एस गॉट इट रिप्लाई रिप्लाइस क्राई क्राइस ट्राई सॉरी ड्राई ड्राइस ओके गॉट इट सी नेक्स्ट वन वर्ब्स एंडिंग इन वीक है बोला था ना वो व्लस वाई आएगा तो एड यस आपको वाई रिमूव ना 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 रिमूव नहीं सी आपको यस एड करना है यहाँ रिमू नहीं बोला है ना एड बोला है ना तो एड बोला तो आपको यहाँ ये ऐड करना है सी वाई रिमूव नहीं करना है प्ले प्लेस स्टे एंजॉय हो गया ये आपको याद में रखना है जिस तरह के फॉर्मूला ओके मैक्स यू हैव नो फॉर्मूला सेम तो इन इंग्लिश ग्रामर आपको ये रूल्स है ये फॉर्मूला से रूल्स आपको याद में रखना है

स ओके गॉट इट ईसी है ना सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज पट बोला था ना दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी एंड इवन स्मॉल एक्सरसाइज ऑल्सो तो इसलिए मैंने यहां एक्सरसाइज भी अटैच किया सी फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट देंटेंसेस विद दिंपल प्रेसेंटेंस फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स ठीक है तो यहाँ हमको सिम्पल प्रजेंटेंस लिखना है दिस इज वेरी सिंपल एंड ईजी आपने पहले भी ये एक्सरसाइज किया है।, है ना तो दिस इज वेरी ईजी मैंने बुक में आई थिंक बुक है न टेक्सट बुक उसमें मैंने पढ़ाया था याद में है क्या पढ़ाया था ना सिम्पल प्रेजेंटेंस सी मेहा डैश वॉच दिस शो एवरी सनडे तो वॉट विल कम आपको क्या देखना है सब्जेक्ट एंड वर्ब देखना है बोला था न सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट मतलब नाउन ठीक मतलब so, है सब्जेक्ट मतलब नाउन तो ये सब्जेक्ट ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब विल ऑल्सो बी इन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर है मतलब येस विल कम टू द वर्ब बोला ना हाँ तो Uh, क्या सब्जेक्ट वर्ब वो प्रूरल है प्र, प्रूरल में है तो वर्ब विल बी आल्सो इन प्रूरल वर्ब भी प्रूरल में होगा तो इन वर्ब में यस नहीं आएगा गॉट इट सी है सिंगुलर है ना वॉचस सिंगुलर है ना बोला था ना मेहा वॉचस दिस शो एवरी इवनिंग सॉरी एवरी संडे ओके See this one? The sun rises in the east and sets in the west. Okay. a universal truth. Hai. So we can change this. It always will come in. Simple present tense. See? Sun. Singular henna rises. Singular henna sets. Because about this sun we are talking So It sets in the west. Okay. Sets.

सॉरी इन विच डायरेक्शन इट विल सेट वेस्ट है ना येस सो सी द नेक्स्ट वन वी रीड आवर बुक्स इन द लाइब्रेरी ओके सी वी रीड आवर बुक्स इन द लाइब्रेरी तो यहा इन ब्रैकेट बीट इज गिवन अ रीड ओके सो वी वी प्रूरल है ना तो वर्ब विल ऑल्सो बी इन प्रोला था ना सब्जेक्ट नाउन प्रूरल है तो वर्ब भी प्रगा तो वी रीड फॉर रूल्स आपको याद में है रूल्स क्या बोला वर्ब विल भी इन बेस फॉर्म बोला था ना तो नो चेंजेस इन दैट वर्ब सो रीड ऐसा ही आएगा ओके वी रीड आर बुक्स इन द लाइब्रेरी द मैन प्लेस द फ्लूट ए वेरी वेल ठीक है द मैन प्लेस द फ्लूट वेरी वेल सी है दैन सिंगुलर है ना तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा ओके okay? तो ये यहाँ एस एड किया तो ये सिंगुलर है मत बोलो कि ये प्रूरल है हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड ये सिंगुलर है ठीक द बस कंडक्टर रिप्लाईज बोला था ना यहाँ कॉन्सोनेंट यल है देन वाई इट इज कम वाई वाई रिप्लाई तो रिमूव वाई एंड एड आई ई एस फॉर्मूला याद में है या नहीं आपको याद में होना चाहिए तो रिप्लाईज़ वेरी स्लोली द कंडक्टर रिप्लाईज़ वेरी स्लोली नेक्स्ट सी द फॉक्स जम्स ओवर देंस मतलब कॉम्पोन्ट कॉम्पोन्ट वॉल है ना वो है फेंस मतलब तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट व बी सिंगुलर द गर्ल्स गो फॉर अ वॉक गर्ल्स क्या है प्रूरल है ना तो यहाँ गो प्रल ओके तो गर्ल्स गो क्या बोला ये यहाँ सब्जेक्ट टूटल है मतलब बेस फॉर्म आएगा ठीक है बेस फॉर्म आएगा यस नहीं एड करना है बोला है ना द प्लांट ग्रोज सिंगुलर है ना तो यहाँ हमको यस ऐड करना है सिंगुलर होना है तो यहाँ द प्लांट ग्रोज ओके द प्लांट ग्रोज इन द सनलाइट

The and टिक ऑप्शंस एंड कंप्लीट दी सेंटेंसेस आपको टिप टिक करना है सी सेम थिंग ओनली पाव के सेम थिंग द सब्जेक्ट एंड वर्ब द चिल्ड्रन विजिट द जू प्रल है ना तो यहाँ भी विजिट रूरल होगा ओके बेस फॉर्म रिमाइंड्स द सेम यस नहीं ऐड करना है तो विजिट शी मेक्स ब्रेकफास्ट ऑन सनडे शी सिंगुलर है ना तो वर्ब में येस एड करना है दोलसमैन कैच सिंगुलर है ना तो वर्ब में यस एड करना है तो मैंने बोला था ना इन सम वर्ब्स ये सैड करना है एंड इन साम वर्ब्स ई यना है तो ये वर्ब ई यस है ई यस एड किया है तो दोलिस मैन वॉचिस दीफ सिंगर है ना तो वह भी सिंगुलर बोला था ना यस एड करना है वह में सब्जेक्ट सिंगुलर है मतलब व में यस एड करना है टेक्स अडिस आफ्टर लंच वर्ड नो

एंड मैन का प्रूरल मेन एम ई एन मेन है तो द फिशरमैन रो दोट इन दी ओके रो यू नो नो यूजिंग दैट दे रो दट इज कॉल्ड एज रो प्रल है तो यहाँ भी प्रूरल होगा दर् रिमाइन द सेम हमको यस नहीं हैड करना है फिशियज इन द रिवर डू यू रिमेम्बर? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब में यस एड करना है इन सम समर्ब्स यस विल बी वी शुड एड यस एंड सम वी शुड ऐड यस बोला था ना? हाँ तो यस फिशर्स बॉय फिशर्स इन द रिवर द ग्रीट सॉरी वी ग्रीट आर प्रिंसिपल इन द असेंबली। ग्रीट वी विश नो यस वी विश एड प्रिंसिपल इन दसेंबली प्रूरल है तो वर्ब भी प्रूरल होगा वेन वर्ब इज प्रल सब्जेक्ट इज प्रूरल तो इन वर्ब वी शुड नॉट एड यस एड यस नहीं एड करना है इट विल रिमाइंड द सेम बेस फॉर्म सो वो बेस फॉर्म में ही होगा ओके शी की सिंगुलर है ना तो वर्ब में ये एड करना है शी कीप्स बुक्स शिकीप से कबर्ड सोल्जर्स प्रिपेयर यस है ना सोल्जर्स प्रूरल में तो यहाँ वर्ब में यस नहीं ऐड करना है द सोल्जर्स प्रिपेयर फॉर दे ट्रेनिंग वी राइड द कार्ट ओके सी वी राइड द कार्ट दिस इज कॉल्ड कार्ट सो वी प्रूरल है ना तो वर्ब में यस नहीं एड करना है द बेस फॉर्म विल रिमाइंड द सेम द सेम वर्ड वर्ब वर्ब है ना द सेम वर्ब विल बी दो यहाँ राइट घट इट दैट्स इट वेरी सिंपल एंड ईजी खत्म सो यू हैव टू वॉच एटलीस्ट थ्री टाइम्स आपको वॉच करना है एंड आपको रीड भी करना है इन बुक में यू हैव टू रीड सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू इट इज वेरी एंड ईजी एंड सिम्पल है ओके लेकिन फर्स्ट वनस यू अंडरस्टैंड सुपर इजी इजी वेरी ईजी ओके सो वॉच इज़ वॉच द वीडियो इंटरेस्टली ओके विद आउट इंटरेस्ट इफ यू वॉच Nothing will remain in your mind. With interest, you have to watch. Okay? Okay. Bye. See you. Take care. Thank you. Be safe at home. Okay?